हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे क्लास ट्वेल्थ की ज्योग्राफी और बुक है अपनी इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, और उसका चैप्टर नंबर 9 प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, और इसके हम देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगभग 45 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। और इन 45 क्वेश्चन में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वो भी वेरी शॉर्ट, ध्यान रखना क्वेश्चन ज्यादातर हमारे कैसे रहेंगे, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन रहेंगे जो एक एक नंबर के होते हैं, प्लस कुछ क्वेश्चन है जो बड़े बड़े हम डिस्कस करेंगे, बहुत ही बेसिक्स के साथ डिस्कस करेंगे, आराम से डिस्कस करेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन का आपको यहाँ पे आंसर भी मिलेगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं, व्हेन वाज इंडिया इंदिरा गांधी कैनाल इन इंडिया स्टार्टेड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 31 मार्च 1958। हालांकि ये प्लान कब आया था, प्लान आया था 1948 में, कुंवर सेन को आया था। ठीक है, इन विच स्टेट इज भरमौर ट्राइबल रीजन सिचुएटेड, भरमौर ट्राइबल रीजन जो है किस स्टेट में आता है, तो यह आता है हिमाचल प्रदेश में। विच ट्राइब लिव्स इन भरमौर रीजन, भरमौर रीजन में मेनली कौन सी ट्राइब पाई जाती है, गड्डी ट्राइब पाई जाती है। प्लानिंग का मतलब क्या होता है, प्लानिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे लोग सोचते हैं, प्लान बनाते हैं, स्कीम बनाते हैं, तो प्लान बनाते हैं या स्कीम बनाते हैं और फिर उनका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, इसी को हम बोलते हैं प्लानिंग। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, फॉर्मुलेशन ऑफ स्कीम्स और प्रोग्राम्स एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेट ऑफ एक्शंस टू अचीव सम गोल। तो किसी भी गोल को प्राप्त करने के लिए उसके बारे में सोचना, उसके बारे में प्लानिंग करना, उसके बारे में प्रोग्राम्स बनाना और फाइनली उसको इम्प्लीमेंट करना ताकि उसको अचीव किया जा सके, तो ये होती है प्लानिंग। When was 5-year plan started? 5-year plan की शुरुआत कब हुई थी, 1951 में हुई थी। इंडिया में 5-year plan कौन बनाता है, बनाता था, प्लानिंग कमीशन बनाता था 5-year plans, और प्लानिंग कमीशन कब बना था, 1950 में बना था। हालांकि प्लानिंग कमीशन को 2015 में रिप्लेस कर दिया जाता है, किसके द्वारा, नीति आयोग के द्वारा, ये चीज आपको ध्यान रखना। फर्स्ट 5-year plan का टाइम पीरियड क्या था, 1951 से 1956, और इस प्लानिंग कमीशन ने टोटल कितने प्लान बनाए थे, 12 5-year plan बनाए थे, ये चीज आप ध्यान रखना। 12th 5-year plan जो था वो था 2012 से लेकर 2017 तक। अब 5-year plan वाला सिस्टम खत्म कर दिया, अब नीति आयोग जो है वो एक ही बार में विजन डॉक्यूमेंट बनाता है 15 साल का, है ना। Who coined the term sustainable development? Sustainable development term जो है सबसे पहले किसने दिया, Rutland Commission ने दिया था। What are the two approaches of planning? Planning की दो approach कौन कौन सी, एक तो होती है sectoral planning, sector wise, और एक होती है regional planning, regional wise planning, है ना। Imagine the twin environmental problems that have emerged in the Indira Gandhi Canal Command Area. तो इंदिरा गांधी कैनाल कमांड एरिया में दो प्रॉब्लम कौन सी है, एक है वाटर लॉगिंग, मतलब पानी जब जमा हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, सॉइल सेलिनिटी, सॉइल में नमक का कंटेंट बढ़ता जा रहा है। WCED की फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। ITDP की फुल फॉर्म क्या है, इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। और CAD की फुल फॉर्म क्या है, कमांड एरिया डेवलपमेंट, कमांड एरिया डेवलपमेंट। राइट द नेम ऑफ रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय ब्रुटलैंड कमीशन। तो ब्रुटलैंड कमीशन के द्वारा कौन सी रिपोर्ट आई थी, वो थी अवर कॉमन फ्यूचर, 1987 में आई थी, ध्यान रखना। हु रिप्लेस्ड प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन को किसने रिप्लेस किया, नीति आयोग ने। कब रिप्लेस किया था, 2015। तो नीति आयोग जो है 1 जनवरी 2015 को बन गया था। प्लानिंग कमीशन कब बना था, प्लानिंग कमीशन 1950 में बना था, जो 5-year प्लान बनाता था। प्लानिंग कमीशन का हेड कौन होता था, प्राइम मिनिस्टर। इवन नीति आयोग का हेड भी कौन है, प्राइम मिनिस्टर, ध्यान रखना। Who headed the World Commission on Environment and Development? इसको किसने हेड किया था, तो नॉर्वे के पीएम थे जिनका नाम था ग्रो हार्लेम ब्रुटलैंड। नीति आयोग कब बना था, एग्जैक्टली 1 जनवरी 2015 को बना था। किस 5-year प्लान के तहत ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, तो ड्रॉट प्रोन एरिया स्टार्ट हुआ था 4th 5-year प्लान, ध्यान रखना दो क्वेश्चन आएंगे, 4th 5-year प्लान और 5th 5-year प्लान। 4th 5-year प्लान में तो ड्रॉट प्रोन प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, 5th 5-year प्लान में हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो दो ही है, एक तो ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम और दूसरा हिल एरिया प्रोग्राम। तो ड्रॉट पहले आता है और हिल एरिया बाद में आएगा, या यूं समझ लेना ड्रॉट में डी आ रहा है और हिल एरिया में एच आ रहा है, तो पहले डी आता है फिर एच आता है, तो पहले 4 आता है फिर 5 आता है, ऐसे करके कुछ याद रखना, आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक है, एक्चुअली कंफ्यूजन रहेगा, हिल एरिया डेवलपमेंट 5th नंबर पे, 5th 5-year प्लान में, और ड्रॉट प्रोन एरिया 4th 5-year प्लान में। तो डी यहाँ पे एच, आप देख लो 4 के साथ डी और 5 के साथ एच, ऐसे करके कुछ याद रखना। और हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिफाइड एज ड्रॉट प्रोन रीजन बाई प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन ने कितने डिस्ट्रिक्ट को ड्रॉट प्रोन डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिफाई किया, तो 67। इन विच 5-year प्लान हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्टेड, अभी मैंने बताया था 5th 5-year प्लान में। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश भरमौर रीजन इज सिचुएटेड, हिमाचल प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट में भरमौर रीजन आता है, तो वो है चंबा। व्हेन भरमौर रीजन वाज नोटिफाइड एज आइडेंटिफाइड एज नोटिफाइड ट्राइबल एरिया, भरमौर रीजन को
कब नोटिफाई किया गया था या कब आइडेंटिफाई किया गया था एज ए नोटिफाइड ट्राइबल एरिया, तो 21 नवंबर 1975। भरमौर रीजन में मेनली कौन सी ट्राइब पाई जाती है, गड्डीज पाए जाते हैं। पॉपुलेशन बॉम्ब, इसको हु पब्लिश्ड पॉपुलेशन बॉम्ब, ये किसने पब्लिश किया था, एनरिच ने 1968 में। हु पब्लिश्ड लिमिट्स टू ग्रोथ, लिमिट्स टू ग्रोथ को किसने पब्लिश किया था, मीडोज। ऑन विच फैक्टर डज द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ रीजन डिपेंड, किस फैक्टर पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड करता है, चार ऑप्शन दे रखे हैं, रिलीफ, क्लाइमेट, पॉपुलेशन, रिसोर्सेज। तो फाइनल आंसर उसका हो जाएगा रिसोर्स, अगर किसी जगह पर रिसोर्सेज हैं तो उसका डेवलपमेंट डेफिनेट है, जरूरी नहीं है हर जगह पर रिसोर्स हो तो डेवलपमेंट हो, कई बार रिसोर्सेज के साथ साथ हमें टेक्नोलॉजी, रिसोर्सेज के साथ साथ हमें स्किल्ड लेबर, इन सब चीज़ों की भी जरूरत पड़ती है। व्हाट शुड बी द हाइट ऑफ एन एरिया इन द हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, अगर किसी एरिया में एरिया को हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम में इंक्लूड करना है तो उसको हाइट कितनी होनी चाहिए उस एरिया की, तो मिनिमम दे रखिए 600 मीटर हाइट होनी चाहिए। विच रिवर फ्लो थ्रू भरमौर रीजन, भरमौर रीजन में कौन सी रिवर फ्लो करती है, रावी रिवर। नीति आयोग का चेयरमैन कौन है, प्राइम मिनिस्टर। आज की डेट में चेयरमैन कौन है अभी करंट में, तो पीएम नरेंद्र मोदी जी। और हु कंसीव द प्लान ऑफ इंदिरा गांधी प्लान कैनाल, इंदिरा गांधी कैनाल का प्लान किसने कंसीव किया था, किसको आया था सबसे पहले 1948 में, कुंवर सेन को इन्होंने कंसीव किया था या इन्होंने दिया था, यूं समझ लो। रीजनल प्लानिंग का पर्पज क्या होता है, रीजनल प्लानिंग का मेन पर्पज होता है रीजनल इम्बेलेंस को खत्म करना। रीजनल इम्बेलेंस का मतलब क्या है, जैसे मान लो भारत में ये वाला रीजन बहुत ज्यादा डेवलप है ना, डेवलप्ड है अच्छी तरह से, वेल डेवलप्ड वीडी, ये वाला रीजन जो है लेस डेवलप्ड है, लेस डेवलप्ड मान के चल रहे हैं। तो रीजनल प्लानिंग का पर्पज क्या होगा, इन दोनों में बैलेंस एस्टेब्लिश करना है, जो इम्बेलेंस है इसको खत्म करना है, ये पर्पज है, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीजनल प्लानिंग, क्वेश्चन वही है, टू रिड्यूस रीजनल इम्बेलेंस। हाउ मच परसेंट ऑफ लैंड टू बी इरीगेटेड इन ड्रॉट प्रोन एरियाज, ड्रॉट प्रोन एरियाज में कितनी जमीन मिनिमम इरीगेटेड होनी चाहिए, 30%। तो ड्रॉट प्रोन एरिया वो होते हैं जहाँ पे जमीन जो है ओनली 30% जो जमीन है वो है इरीगेटेड, बाकी इरीगेटेड नहीं है। किस कैनाल को राजस्थान कैनाल के नाम से जानते हैं, इंदिरा गांधी कैनाल। 12th फाइव ईयर प्लान का टाइम पीरियड क्या था, 2012 से 2017 के बीच में, मैंने अभी बताया था फाइव ईयर प्लान वाला जो कॉन्सेप्ट है, फाइव ईयर प्लान बनाने की शुरुआत सबसे पहले दुनिया में यूएसएसआर ने की थी, यूएसएसआर से इंडिया ने सीखा, और इंडिया ने फाइव ईयर प्लान बनाने के लिए एक इंस्टीट्यूशन बनाया जिसका नाम था प्लानिंग कमीशन, यही प्लानिंग कमीशन फाइव ईयर प्लान बनाता था। फर्स्ट फाइव ईयर प्लान मैंने बताया था आपको 1951 से 1956 के बीच में, टोटल कितने फाइव ईयर प्लान बने अब तक 12, 12 का कितना टाइम पीरियड है 2012 से 2017 के बीच में, ये ध्यान रखना, ठीक है। When planning commission was established, अरे बार बार आ रहा है, 1950 में बना था, है ना, planning commission को replace करके नीति आयोग कब बन गया, नीति आयोग 2015 में बन गया, तो एक प्रकार से revision पर revision हो रहा है आपका। Which of the following is not an example of sectoral planning, इनमें से कौन सा example sectoral planning में नहीं आता है, agriculture, hill area development, irrigation, social infrastructure। तो देखो sectoral planning में agriculture आता है, irrigation आता है, social infrastructure आता है, मतलब sectors आते हैं, मगर hill area एक अपने आप में area हो गया, तो ये regional planning में आ जाएगा। फ्रॉम विच प्लेस इंदिरा गांधी कैनाल टेकन आउट, इंदिरा गांधी कैनाल कहाँ से आ रही है, हरिके बैराज, कहाँ पर हरिके बैराज, पंजाब में, ठीक है। इंदिरा गांधी कैनाल की प्लान लेंथ कितनी है, 9060 किलोमीटर। इंदिरा गांधी कैनाल इरीगेशन का एग्रीकल्चर पर क्या नेगेटिव इम्पैक्ट है, नेगेटिव इम्पैक्ट में पानी भर जाता है और सॉइल की सैलिनिटी बढ़ रही है। 15 साल का विजन डॉक्यूमेंट कौन तैयार करता है, नीति आयोग, और इस 15 साल को डिवाइड कर देते हैं 5 भागों में, 3, 3, 3, 3 और 3, ऐसे करके टोटल 3-3 साल के एक्सेल प्लान्स बनाए गए हैं इसके अंदर 15 साल में भी, ठीक है। तो 15 ईयर का विजन डॉक्यूमेंट कौन तैयार करता है, नीति आयोग। अब वो 5 ईयर वाला सिस्टम खत्म हो गया, 15 साल का एक लॉन्ग विजन तैयार होता है जिसको हम 5 भागों में ऐसे करके डिवाइड कर देते हैं एक्शन प्लान्स में, ठीक है। गिव द एग्जाम्पल ऑफ टारगेट एरिया प्रोग्राम, टारगेट एरिया प्रोग्राम के एग्जाम्पल देने हैं तो इसका है ड्रॉट प्रोन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। सेक्टोरल प्लानिंग क्या होती है, सेक्टर वाइज जो प्लानिंग की जाती है तो इट इन्वॉल्व्स फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स और प्रोग्राम्स दैट एम्स टू डेवलप वेरियस सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। तो यहाँ पे ऐसी स्कीम्स और ऐसे प्लान्स और बनाए जाते हैं और इम्प्लीमेंट किए जाते हैं जिससे अलग अलग इकोनॉमी के सेक्टर्स का डेवलपमेंट किया जा सके, जैसे एग्रीकल्चर, इरीगेशन, मैन्युफैक्चरिंग, पावर, कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्विस, ये सारे एग्जाम्पल हैं सेक्टोरल प्लानिंग का। राइट इज नोट डोंट वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट 1.5 में आंसर आ सकता है लिखने के लिए, ठीक है। तो वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है, तो यूनाइटेड नेशंस ने वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट को एस्टेब्लिश किया ताकि एनवायरमेंटल इश्यूज को डील किया जा सके, ठीक है। इस कमीशन को हेड किया था नॉर्वे के पीएम ग्रो हार्लेम ब्रुंटलैंड, और इस कमीशन ने एक रिपोर्ट दी
जिसका टाइटल था अवर कॉमन फ्यूचर। इस रिपोर्ट को जाना जाता है ब्रुटलैंड रिपोर्ट के नाम से 1987 में। तो ध्यान रखना ब्रुटलैंड कमीशन के द्वारा, इस कमीशन को ब्रुटलैंड कमीशन ही बोलते हैं, इसने एक रिपोर्ट दी थी अवर कॉमन फ्यूचर, और इस रिपोर्ट का दूसरा नाम है ब्रुटलैंड रिपोर्ट। कब आई थी रिपोर्ट? 1987 में। बारमोर रीजन बहुत ज्यादा अंडर डेवलप्ड क्यों है? क्योंकि यहाँ पे क्लाइमेट बहुत ज्यादा हार्श है, मतलब बहुत ज्यादा ठंडा रहता है, रिसोर्सेज ज्यादा है नहीं, इन्वायरमेंट फ्रेजाइल है, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है। यहाँ पे मेनली आपको पता है गड्डी स्ट्राइप पाई जाती है, और गड्डी स्ट्राइप मेनली एक एक्टिविटी परफॉर्म करती है, ट्रांसह्यूमेंस एक्टिविटी। आप सबको पता होगा ट्रांसह्यूमेंस में क्या होता है कि गर्मियों में तो जो लोग हैं नीचे से हिली एरिया में ऊपर चले जाते हैं, और सर्दियों में ऊपर से नीचे आ जाते हैं, ऐसे करके सीजनल मूवमेंट होता है ना। और सोशियो इकोनॉमिक डिप्रीवेशन, यहाँ पे समाज और इकोनॉमी दोनों ही बहुत ज्यादा पिछड़े हुए हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? बहुत सिंपल है, आप सबको पता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा डेवलपमेंट जहाँ पे प्रेजेंट की नीड्स को फुलफिल किया जा सके, फ्यूचर की जनरेशन का ध्यान रख सके, प्लस इन्वायरमेंट को कम से कम नुकसान पहुंचाए, ऐसा डेवलपमेंट क्या कहलाता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, ये डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ऐसा डेवलपमेंट जिससे प्रेजेंट की नीड्स फुलफिल हो जाए, फ्यूचर की नीड्स का को भी कंप्रोमाइज ना किया जाए, और इन्वायरमेंट को कम से कम नुकसान पहुंचाया जाए, उसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का दूसरा नाम है कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट, ये भी ध्यान रखना, मतलब लगातार डेवलपमेंट है ना। ड्रॉट प्रोन एरियाज के एग्जाम्पल दो, तो वेस्टर्न राजस्थान, गुजरात के कुछ हिस्से, वेस्टर्न मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा रीजन ऑफ महाराष्ट्र, रायलसीमा एंड तेलंगाना, कर्नाटक प्लेट्यू, हाईलैंड्स एंड इंटीरियर ऑफ तमिलनाडु, ये हैं ड्रॉट प्रोन रीजन्स। ठीक है, शॉर्ट में कुछ रिवाइज कर लेते हैं। भरमौर ट्राइबल रीजन कहाँ पे पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में चंबा डिस्ट्रिक्ट में। इसको नोटिफाइड एरिया डिक्लेयर किया गया था 21 नवंबर 1975 को। इसका टोटल एरिया है 1818 स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ पे मेनली गड्डी ट्राइब रहती है जो परमिटिक एक्टिविटी करती है ट्रांसूमेंस, और पॉपुलेशन इसकी है 39113 2011 के हिसाब से। हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम 5th 5-year plan के अंडर में आया था, और टोटल 15 डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिफाई किए गए थे हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर। ड्रॉट प्रोन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम 4th 5-year plan के अंदर स्टार्ट होता है, FYP का मतलब 4th 5-year plan के अंदर इसको स्टार्ट किया जाता है, और 67 डिस्ट्रिक्ट्स को ड्रॉट प्रोन एरिया डिक्लेयर किया गया था प्लानिंग कमीशन के द्वारा 1967 में। और क्राइटेरिया क्या है ड्रॉट प्रोन एरिया के लिए? 30% से कम एरिया इरीगेटेड होना चाहिए, और ये किसने दिया ये क्राइटेरिया? इरीगेशन कमीशन ने 1972 में। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। तो ऐसे ही करके जो एक एक नंबर वाले आपके जो चैप्टर आ रहे हैं 1 मार्क्स वाले, इनको मैं करा दूंगा। पहले इंडिया पे फोकस रहेगा हमारा, इंडिया के टोटल 5 चैप्टर दे रखे हैं 2023 के एग्जाम के लिए, 1-2 दिन में सब कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, फिर इनको एक साथ मर्ज कर दिया जाएगा। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।